इलेक्शन धमाका। नवीन पटनायक की तबीयत से जुड़ी बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ओडिशा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक की तबीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक साल में नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ी है, अचानक नवीन बाबू की तबीयत कैसे बिगड़ी, कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं। 10 जून के बाद जांच कमेटी इस बाबत बनाएंगे, तो पर्दे के पीछे साजिश का सूत्रधार कौन, इसी को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा हो रहा है। और देखिए किस तरह से ये पूरी सियासत यहां नजर आती है। नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या, ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। तो इस राज पर से पर्दा उठना जरूरी है। तस्वीर भी देखिए इस वक्त आपके सामने है। दरअसल सेहत को लेकर अब ये पूरी सियासत यहाँ पर नजर आ रही है कि आखिर ये कौन से सिक्के का पहलू है जो इस तस्वीर के जरिए यहाँ पर नजर आ रहा है, आखिर इस साजिश का सूत्रधार यहाँ पर कौन है। आप तस्वीर बेहद गौर से देखिए, जो ये लाल रंग का गोला भी आपको नजर आ रहा है और एरो भी आपको नजर आ रहा है, दरअसल नवीन पटनायक की तबीयत पर पीएम मोदी ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। एक साल में नवीन पटनायक की सेहत गिरी, अचानक नवीन बाबू की तबीयत आखिर कैसे बिगड़ी, ये प्रश्न चिन्ह, ये बड़ा सवाल। और साथ ही ये भी कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। 10 जून के बाद जांच कमेटी बनाई जाएगी क्योंकि इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। आप खुद देखिए जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कैमरे से कैद हुई तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक साल में नवीन पटनायक की सेहत गिरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ सवाल भी उठाया कि आखिर अचानक तबीयत कैसे बिगड़ जाती है और कहीं इस तबीयत के बिगड़ने के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं, बड़ी साजिश तो नहीं।